हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। सभी को गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं सैटरडे यानी 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज हम पढ़ रहे हैं संडे, तो सैटरडे संडे को गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद रहते हैं, तो इन तारीख में करंट अफेयर्स थोड़ा सा कम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज ज्वाइंड 100 बिलियन वेल्थ क्लब। इनमें से 100 बिलियन वेल्थ क्लब को इनमें से किस भारतीय ने ज्वाइन किया है? ऑप्शन है आपके गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, बायजू रविंद्रन या आधार पूनावाला। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने 100 बिलियन वेल्थ क्लब को ज्वाइन किया है। अडानी, जो गौतम अडानी या आपके अडानी ग्रुप के मालिक हैं, बायजू रविंद्रन बायजूस के मालिक हैं, और आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि आपकी कोविशील्ड वैक्सीन बना रही है, उसके मालिक हैं। तो मुकेश अंबानी ने 100 बिलियन वेल्थ क्लब को ज्वाइन किया है। इनकी नेटवर्थ 100 बिलियन हो चुकी है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, इन्होंने 100 बिलियन वेल्थ क्लब को ज्वाइन किया है। तो ये आपके टॉप 10 और 11th नंबर पे मुकेश अंबानी जी हैं, और टॉप 10 आपके टोटल नेटवर्थ इन लोगों की 100 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। तो नंबर 1 पे हैं आपके इलॉन मस्क, इनकी नेटवर्थ आपकी 198 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, 222 बिलियन डॉलर्स के है, और ये टेस्ला के मालिक हैं। नेक्स्ट नंबर पे हैं हमारे जेफ बेजोस, ये जेफ बेजोस अमेजॉन के मालिक हैं। थर्ड नंबर पे हैं बर्नार्ड अर्लॉ अर्नॉल्ट, ये आपके LVMH लुईस विटन नाम से आप देखोगे लिखा लुईस विटन होता है, बट ये फ्रेंच कंपनी है तो लुई विटन इसे पढ़ते हैं, और ये लग्जरी गुड्स बनाती है, बहुत महंगे महंगे कपड़े वगैरह बनाते हैं ये। इसके अलावा बिल गेट्स के मालिक हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। फोर्थ नंबर पे मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक के मालिक हैं। लैरी पेज गूगल के मालिक हैं और को फाउंडर हैं। सर्जी ब्रिन आपके गूगल के को फाउंडर हैं। स्टीव बॉलमर माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मर CEO रहे हैं। लैरी एलिसन आपके ओरेकल के मालिक हैं, ओरेकल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके अलावा वॉरेन बुफे आपके बर्कशायर हैथवे के मालिक हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी ही चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी के नाम देख सकते हैं, और ये अपडेटेड है, इस लिस्ट में अपडेट नहीं है, ये जो नेटवर्थ है ये गलत लिखी हुई है, यहाँ पर ये अपडेटेड है एकदम, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन है, तट रक्षक मेडल इज गिवन फॉर गैलेंट्री सर्विस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। इनमें से किस सर्विस के लिए तट रक्षक मेडल दिया जाता है? ऑप्शन है आपके इंडियन नेवी, मर्चेंट नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन एयरफोर्स। तो ऑप्शंस आपके, चूंकि नाम से बहुत ऑब्वियस है बट कंफ्यूजन हो सकता है इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में, क्योंकि मर्चेंट नेवी तो सरकारी है नहीं, तो उसमें ये गैलेंट्री अवार्ड्स मिलेंगे नहीं। तो ऑप्शंस में हमारे कंफ्यूजन हो सकता है इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो बट तट रक्षक मतलब कोस्ट गार्ड, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑब्वियसली इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड अवार्ड जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड में तटरक्षक मेडल दिए जाते हैं, और ये अभी हाल में ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किए हैं, ठीक है। तो स्पीकिंग एट द इंडियन कोस्ट गार्ड इन्वेस्टिट्योर क्या होता है आपका? इन्वेस्टिट्योर का मतलब हो जाता है कोई ऐसी सेरेमनी जिसमें आप कोई अवार्ड्स वगैरह अनाउंस करते हैं, जिसमें आप अवार्ड्स वगैरह अनाउंस करते हैं उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिट्योर। तो इन्वेस्टिट्योर सेरेमनी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने तटरक्षक मेडल अनाउंस किए हैं राजनाथ सिंह जी ने, इसलिए इसे इन्वेस्टिट्योर कहा गया, इन्होंने ट्वीट किया था। और यहाँ पर इन्होंने प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल और तटरक्षक मेडल्स अनाउंस किए हैं, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजनाथ सिंह। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, तो श्री राजनाथ सिंह है, आप ये भी याद रखेंगे। और इन्होंने प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल और तटरक्षक मेडल्स अनाउंस किए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड आपकी मैरीटाइम इन्फोर्समेंट एंड सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए है, बेसिकली तट रक्षा करने के लिए है। और जो कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट है ये इंडियन नेवी के साथ में काम करता है, इंडियन नेवी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, कस्टम्स, सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस के साथ में काम करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, लेकिन इंडियन नेवी के अंदर नहीं आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, लेकिन ये इंडियन नेवी के अंडर नहीं आता है, इंडियन नेवी के साथ काम करता है, मत्स्य विभाग, राजस्व विभाग और केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के साथ में काम करता है। 1977 में कोस्ट गार्ड की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी, उसे 78 द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसका जो मुख्य जो आपका एम है वो है आपका इसका, हाँ इनका आप मोटो आप याद रख सकते हैं, वयम रक्षामान, ये इनका वी प्रोटेक्ट, ये इनका मोटो है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? भारत के हु इज द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो ऑप्शंस हैं हमारे KV सुब्रमण्यन, तुषार मेहता, शक्तिकांत दास या फिर उर्जित पटेल।
तो आंसर इसमें हो जाएगा हमारा केवी सुब्रमण्यन। केवी सुब्रमण्यन जो है हमारे पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तुषार मेहता हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाता है हु इज द करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे हम महाधिवक्ता कहते हैं, वो भारत सरकार का वकील समझ लीजिए उसे, तो भारत सरकार के महाधिवक्ता इस समय तुषार मेहता हैं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में मेंशन है, किस आर्टिकल में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मेंशनड है। शक्तिकांत मेहता लिखा हुआ, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं इस समय, और फॉर्मर गवर्नर हमारे आरबीआई के उर्जित पटेल हैं। तो फॉर्मर गवर्नर की बात करेंगे तो वो उर्जित पटेल हैं, और करंट गवर्नर हमारे आपके शक्तिकांत दास हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं और के वी सुब्रमण्यन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, आज ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको, टेलीग्राम पे आप जाएंगे और सर्च करेंगे @AmanTrivedi तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, और वहां से आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कीजिए @AmanTrivedi ऑन टेलीग्राम, आपको मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे आप @AmanTrivedi में लगाएंगे तो आपको मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हाँ जी, तो ये आपकी केवी सुब्रमण्यन जो हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये आपके आर्थिक मुख्य सलाहकार नहीं बचे हैं। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र केवी सुब्रमण्यन ने 8 अक्टूबर यानी आज की तारीख में इन्होंने इस्तीफा दिया है और ये एकेडेमिया की तरफ वापस गए हैं, यानी कि दोबारा से मतलब पढ़ाई लिखाई करेंगे या पढ़ाएंगे लिखाएंगे इसकी तरफ वापस गए हैं। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, डिसाइडेड टू, ये कोई भी आवश्यक नहीं आपके लिए। आपके लिए आवश्यक है कि फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है निर्मला सीतारमण। अगर आपसे बहुत ही बेसिक सवाल पूछा जाता है कि हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, अभी इनके सक्सेसर का नाम डिसाइड नहीं हुआ है, तो कौन होगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अगला, अभी उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है आपका, पाक बे स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट, पाक बे स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन हैं आपके पिसीकल्चर मछली पालन से, सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन से, विटीकल्चर अंगूर की खेती से, या हॉर्टिकल्चर या बागवानी से। इनमें से किससे रिलेटेड है पाक बे योजना, तो पाक बे स्कीम जो है वो आपकी मछली पालन से रिलेटेड है, पिसी कल्चर से रिलेटेड है, जिसे मछली पालन हम कहते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार पाक बे योजना जो है के तहत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की इकाई लागत को 80 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.3 करोड़ रुपए करने पर विचार कर रही है, ताकि इसे मछुआरों के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। तो जो इसका कॉस्ट जो है वो बढ़ाने वाली है 80 लाख से 1.3 करोड़ करने वाली, जिससे कि वो और अट्रैक्टिव हो इन मछली पालने वाले लोगों के लिए। तो पाक बे स्कीम अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है, तो ये मछली पालन से संबंधित है, ठीक है। अब मछली पालन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो पिसी कल्चर जो है यानी कि मछली पालन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री या फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और इसके जो हमारे मिनिस्टर हैं अभी वो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। श्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। और इससे, और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सबसे लंबे समय तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा है भारत का, तो वो हैं श्री शरद पवार जी। शरद पवार सबसे लंबे समय तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, मतलब पहले हमारे कृषि मंत्री कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मत्स्य पालन किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, सबसे लंबे कार्यकाल रहा है श्री शरद पवार जी का, और प्रथम कृषि मंत्री थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, EWS रिजर्वेशन वॉज गिवन बाई अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन के तहत EWS आरक्षण दिया गया था। तो ऑप्शंस हैं आपके 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 101, 102 या 103। तो 101, 102, 103, 104 में से कौन सा आंसर है, किस संविधान संशोधन के तहत EWS आरक्षण दिया गया था। तो EWS आरक्षण से अगर आपका सवाल, क्यों मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इसका कारण है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है इस के ऊपर। आंसर फिलहाल इसका है हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के तहत EWS आरक्षण दिया गया था।
सो व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हाल में टिप्पणी की है और इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रुपए तय करने में सरकार द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो आपने 8 लाख रुपए का जो लिमिट रखा है, ये क्या सोच के रखा है, आपका क्या क्राइटेरिया था, क्या मेथडोलॉजी थी, इससे पूछे, ये सवाल सरकार से पूछा है जिसमें सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। तो अभी मतलब इसमें इसलिए मैंने आपसे पूछा, हालांकि ये कोई रिसेंट की न्यूज़ नहीं, पुरानी है, बट ये खबर आज की है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और उन्होंने पूछा है कि ये जो 8 लाख का आपने कैप लगाया, ये किस हिसाब से लगाया है। तो इसलिए अगर मैं आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जीएस में करंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है, तो हम एक बारी सारे संविधान संशोधन पढ़ लेते हैं, सारे नहीं मतलब 100 से 104 तक के। तो 100वां संविधान संशोधन जो था वो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते 1974 को आगे बढ़ाने के लिए था। तो बांग्लादेश के साथ कुछ एनक्लेव क्षेत्रों के आदान प्रदान का उल्लेख किया गया, जिसमें भारत संविधान की पहली अनुसूची में 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया। तो 100वां संविधान संशोधन, 100 संविधान संशोधन, भारत संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि के आदान प्रदान से संबंधित है। 101 अगर आपसे पूछा जाए, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है, तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी से रिलेटेड आपका संविधान जो है वो आपका 101वां संविधान संशोधन है आपका जीएसटी से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 जीएसटी किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत दिया गया है, तो ये आपका 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ है। इसके अलावा 102 102वां संविधान संशोधन किसके रिट संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है, दिया गया है। तो एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है 102nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और इससे बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, तो जो हमने अभी पढ़ा 103rd 103वां संविधान संशोधन आर्टिकल 15 के में इन्होंने अमेंडमेंट करके मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन ऑफ क्लासेस अदर देन द क्लासेस मेंशन इन क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ये दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था, 104वां संविधान संशोधन एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द सेसेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज इन द लोकसभा एंड स्टेट्स असेंबलीज फॉर द 70 इयर्स टू 80, रिमूव द रिजर्व्ड सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में कुछ सीटें रिजर्व्ड थी उन्हें खत्म कर दिया गया है, और लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से बढ़ा के 80 साल कर दी गई है। तो हमने 4 संविधान संशोधन पढ़े जिसमें से पहला 100 हमने सारे 4 संविधान संशोधन पढ़े जिसमें से पहला संविधान संशोधन जो कि 100 था वो भारत और बांग्लादेश की सीमा संबंधित है, 101 जीएसटी संबंधित है, 102 एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से संबंधित है, और 103 आपका ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से संबंधित है, और 104 आपका जो एंग्लो इंडियन की सीट्स खत्म की गई हैं और एससी एसटी की इस रिजर्वेशन को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में सीट्स के रिजर्वेशन को 70 से 80 ईयर्स किया गया है। तो ये आपके संविधान संशोधन थे, हमने पढ़ इसलिए सारे लिए क्योंकि उससे संबंधित हैं, तो अगर सवाल में पूछे जाते हैं तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन जो आपका ईडब्ल्यूएस दिया गया है, इसमें हमारा केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो 50% की लिमिट इंदिरा साहनी केस में 1992 में 9 जज बेंच ने सेट की थी 50% की, और इसे ये ब्रीच करता है, ठीक है। चलिए सवाल है, किस रेटिंग एजेंसी ने भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिति में बदल दिया है, इनमें से किस रेटिंग एजेंसी ने भारत के जो सॉवरेन आउटलुक है उसे नेगेटिव से स्टेबल की तरफ शिफ्ट किया है। तो ऑप्शंस हैं आपके फिच रेटिंग्स, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग या क्रिसिल। तो ये रेटिंग एजेंसीज हैं, इनमें से किसने भारत के सॉवरेन आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में बदला है, तो आंसर हमारा हो जाता है आपका मूडीज रेटिंग। मूडीज ने भारत के सॉवरेन आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में बदल दिया है। तो इसका जानते हैं मतलब क्या है। तो देखिए आपकी यहाँ पर ये तीन बेसिक मेजर एजेंसीज हैं, मूडीज, S&P एंड फिच। तो मूडीज ने Baa3 रेटिंग दी है भारत को, और मीनिंग लो इन्वेस्टमेंट है जिसका, लेकिन आउटलुक को स्टेबल यहाँ पर बताया है। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इन्होंने BBB- दिया, लो इन्वेस्टमेंट है इसका, लेकिन इसका आउटलुक भी मतलब स्टेबल है। और फिच ने भी अपनी रेटिंग दी है BBB- है, जिन्होंने आउटलुक निगेटिव रखा है, ठीक है।
तो ये मतलब क्या होता है, देखो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आप ये समझ लीजिए कि सामान्य शब्दों में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी विशेष ऋण या वित्तीय दायित्व के संबंध में एक उधारकर्ता की साख का मात्रात्मक मूल्यांकन करता है। यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है क्वांटिफाइड असेसमेंट करता है क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बोरोवर, कि तुमको हम पैसा उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जैसे अपना वो क्रेडिट स्कोर होता है ना, सिविल स्कोर होता है, सिविल स्कोर जिससे क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो उससे रिलेटेड ही आप ये समझ लीजिए। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है कैन बी असाइन टू एनी एंटिटी। अब क्रेडिट रेटिंग के लिए आप किसी भी व्यक्ति एंटिटी को दिया जा सकता है, इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन, स्टेट या प्रोविंशियल अथॉरिटी या सॉवरेन गवर्नमेंट, किसी को भी रेटिंग दी जा सकती है। रेटिंग एजेंसी क्या करती है, वो एक कंपनी है जो किसी भी व्यक्ति या जिसके लिए भी वो रेटिंग कर रही है उसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेजर करती है, ठीक है, कि वो अपने कर्जे चुका सकते हैं या नहीं। मेजर रेटिंग एजेंसीज हैं, फिच रेटिंग है आपकी, मूडीज है, सर्विस एंड पुअर है, यार ये सबसे बड़ी हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ द ग्लोबल रेटिंग्स बिजनेस को कवर करती हैं। मतलब ये दुनिया में सबसे ज़्यादा तीन जाने जाने वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। इंडिया में भी रेटिंग एजेंसीज काम करती हैं, पहली हमारी सेबी है, इसके अलावा क्रिसिल है, ICRA है, केयर है, स्मेरा है, फिच इंडिया है एंड ब्रिक वर्क रेटिंग्स हैं, ये आपकी काम करती हैं भारत में, ठीक है। तो ये रेटिंग एजेंसीज आपको समझ में आ गया क्या है बेसिक बेसिक, कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में बताती हैं। मूडीज ने स्टेबल किया है, S&P ने स्टेबल दिया है और फिच ने निगेटिव आउटलुक दिया है। बैंकिंग के लिए ये सवाल काफी आवश्यक है। आप में से पूछा जा रहा है हु इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष, आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है। तो ऑप्शंस हैं आपके श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री प्रहलाद जोशी, श्री अर्जुन मुंडा या श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा, आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। तो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। इसके अलावा प्रहलाद जोशी जिनका नाम हमने लिखा, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के मंत्री हैं। ही इज द पर्सन, ये प्रहलाद जोशी हैं। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैं, मिनिस्टर ऑफ कोल्स कौन है, प्रहलाद जोशी हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी प्रहलाद जोशी हैं। कोल से याद आया, भारत इस समय कोल की क्राइसिस से गुजर रहा है और भारत के पास कुछ ही दिनों का कोल बचा हुआ है, तो जिससे हमारे घर की पावर सप्लाई भी काफ़ी प्रभावित हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि भारत कोल का किस नंबर का उत्पादक है और नंबर वन पे कोल का उत्पादक कौन है, हु इज़ द नंबर वन एट द कोल प्रोडक्शन एंड भारत उस कोल प्रोडक्शन में किस नंबर पे है, आप लोग मुझे इसे कमेंट्स में बताएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के भी आपके प्रहलाद जोशी जी हैं। इसके अलावा अर्जुन मुंडा जो हैं ये आपके ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और श्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं। पहले स्किल डेवलपमेंट कौन देख रहे थे, राजीव प्रताप रूडी जी, और अभी श्री धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगर आपसे पूछा जाए एजुकेशन मिनिस्टर कौन है तो वो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर हैं आपके श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात हमने क्यों की, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात हमने इसलिए क्योंकि हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा गिलोय, जिसे आप रामदेव बाबा जी काफ़ी नाम लेते हैं इसका, गुडुची कहते हैं, एक लोकप्रिय जो जड़ी बूटी है और इसको उपयोग को सुरक्षित बताया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गिलोय के इस्तेमाल को सुरक्षित बताया है हाल में ही। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का फुल फॉर्म जरूर ध्यान रख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो आपका ए है दैट इज़ फॉर आयुर्वेदा, वाई है फॉर योगा, एन है फॉर नेचुरोपैथी, यू है एन मतलब नाम में नहीं है बट एस एन साइलेंट है, यू है यूनानी के लिए, सिद्धा एस से है, स्वरिग्पा ये भी एस से है और होम्योपैथी एस से है। तो इसी के इनिशियल्स को मिला के हमारा एक्रोनिम बनता है आयुष, ये एक्रोनिम है, इसे एक्रोनिम कहते हैं, समझ रहे हैं। और मान लीजिए WHO है तो ये WHO एक्रोनिम नहीं है, ये एब्रीविएशन है, क्योंकि एक्रोनिम मतलब जिसे नाम बना दिया आपने तो ये एक्रोनिम हो जाता है, समझ गए। तो ये आपके आज के करंट अफेयर्स थे, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, करंट अफेयर्स चूंकि सैटरडे होता है, सैटरडे के दिन काफ़ी कम काम होता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए कम करंट अफेयर्स आती है और संडे को और कम आएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक जरूर करना और शेयर करना, PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लोगों के साथ शेयर करिए जिससे कि बाकी लोगों को भी इससे मदद मिले, एंड आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।